तो हम लोग भगवद गीता का थीम वाइज स्टडी करेंगे, क्योंकि भक्ति वैभव में कई लोग सोचते हैं कि भक्ति वैभव में भगवद गीता क्यों पढ़ेंगे। तो ये लोग ऐसा जो सोचते वो मूर्ख हैं। कुछ लोगों ने पूछा, अभी तो आप गीता करें ना, अभी तो आप भागवत शुरू नहीं किया, तो मूर्ख है। मतलब भक्ति वैभव भगवद गीता को छोड़ के नहीं है, भगवद गीता को लेके भक्ति वैभव। तो लेकिन इसमें भगवद गीता का स्टडी होता है, थोड़ा एडवांस लेवल का स्टडी है, भगवद गीता का स्टडी है, लेकिन थोड़ा दूसरा एंगल से स्टडी होगा। ये डिफरेंस है। भक्ति शास्त्री में हम लोग एक एक श्लोक पकड़ पकड़ के स्टडी करते हैं, और भक्ति वैभव में पूरा गीता तो ऑलरेडी सबको आ गया है, यही आशा की जाती है, इसलिए हम लोग दूसरे एंगल से भगवद गीता को पढ़ते हैं। उसको मतलब थीमेटिक स्टडी, थीम वाइज पकड़ेंगे भगवद गीता को। तो हमारा अभी थीम चल रहा है कि भगवद गीता में कहाँ कहाँ पर शुद्ध भक्तों के गुणों का वर्णन किया हुआ है, कृष्ण ने कहाँ कहाँ पर शुद्ध भक्तों का गुण अथवा ब्राह्मण रियलाइज जो आत्मा को उपलब्धि किया है उसके गुणों का वर्णन। कहीं कहीं पर आत्मा को उपलब्धि किया है, ब्रह्मा उपलब्धि किया उसके गुणों का वर्णन है, कहीं कहीं पर शुद्ध भक्तों का वर्णन है, लेकिन एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, खाली लेवल का अंतर है, धीरे धीरे ऊपर जाता है भक्त। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग द्वादश 12वां अध्याय में पहुंचे थे। तो 12वां अध्याय में श्लोक नंबर 13 से लेके 20, ये जो श्लोक है 8 श्लोक है, इसमें कुछ ऐसे गुणों का वर्णन है जिसमें भगवान बार बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यो मद भक्त समय प्रिय, जो ऐसा करता है वो मेरा प्रिय भक्त है, ऐसा बार बार 4-5 बार बोलते हैं भगवान उसी सेक्शन में, कि जो ये भक्त मेरा बहुत प्रिय है, ये भक्त मेरा बहुत प्रिय है, ये भक्त मेरा बहुत प्रिय है। इसका मतलब भगवान का अगर प्रिय बनना है इसमें, मतलब प्रेम प्रेम भक्ति, अगर प्रेम भक्ति चाहिए, प्रेम भक्ति मतलब भगवान हमको प्रेम करेंगे, हम उनको प्रेम करेंगे, तो प्रेम भक्ति अगर चाहिए तो उसके लिए जो गुणों का वर्णन है, ये यहाँ पर कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे गुण वाले भक्त मेरे को प्रिय है, मैं उनको प्रेम करता हूँ। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानि भूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्टो सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पुत्य मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। हम लोग ठीक है, तो इधर ही थे, तो मेरे को ठीक से याद नहीं है, हम लोग का चर्चा यहाँ से होगा ना, मतलब ये 2 श्लोक हो गया, इसके बाद वाला श्लोक हम लोग करेंगे आज। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार समा दुख सुख क्षमी संतुष्टो सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। ये कुछ शुद्ध भक्तों के गुणों का वर्णन है, बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का वीडियो ऑफ है और एक दो भक्त ने वीडियो ऑन किया है, लेकिन सामने नहीं है, कैमरा के सामने नहीं है, मतलब दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। भक्ति वैभव में क्लास अगर करना है तो सामने बैठना है, मोबाइल के सामने, और वीडियो ऑन रखना है, नहीं तो क्या है, दूसरा काम करते करते ये क्लास नहीं होगा भक्ति वैभव का। आप बोलेंगे हम पीछे से सुनते रहेंगे, इसमें पीछे से सुनना नहीं चलेगा, इसको आपको क्लास के पहले प्रिपरेशन लेना चाहिए, जो भी करना है, जैसे
घर का काम कर लिया, नहा धोना नहाना धोना हो गया, तिलक कर लिया, कपड़ा पहन लिया, फिर क्लास में बैठना है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं ऐसे, ऐसा नहीं कि आप बेड पे बिस्तर पे ही क्लास शुरू कर दिया, ऐसा तो चलेगा नहीं भक्ति वैभव में। तो अभी हाँ आरम्भ करता हूँ, किसी को प्रॉब्लम है तो फिर आगे बात करेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्ममो निरहंकार शम दुख सुख क्षमी। अद्वेष्टा, तो ये सर्वभूतानां जो शब्द है वो तीनों शब्दों के लिए लागू होगा, अद्वेष्टा के लिए, मैत्र के लिए और करुणा के लिए। सर्वभूतों के प्रति वो अद्वेष्टा होगा, सर्वभूतों के प्रति मित्रता होगा, सर्वभूतों के प्रति करुणा होगा। तो ये तीनों ग्रेजुअली ऊपर जाते हैं। पहले अद्वेष्टा किसी भी जीव को द्वेष नहीं करेगा, ये पहला क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर ही हम लोग का कैंसिल हो जाता है। जैसे पिछली बार मोहन ब्रजराज ने बोला कि हमको तो लगता है कि हमारा टिकट कैंसिल हो जाएगा। तो जो पहला क्वालिटी है स्टार्टिंग, ये सबसे मतलब बेसिक है, नीचे का यहाँ से शुरू होगा, तो इसमें हम लोग का विकेट डाउन हो जाएगा, हम लोग इसी में फेल हो जाएंगे। पहला में क्या पहला है? अद्वेष, किसी जीव को द्वेष नहीं करना। अब किसी जीव को द्वेष नहीं करना मतलब कीड़े मकोड़े को द्वेष नहीं करना खाली नहीं बोल रहे हैं, वो तो कोई भी कर लेगा। तो कीड़े मकोड़ों को द्वेष नहीं करेंगे, मच्छर को द्वेष नहीं करेंगे, सर्प को द्वेष नहीं करेंगे, ठीक है वहां तक हो गया। और क्या है, कोई जीव की हिंसा नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, वेजिटेरियन खाना खाएंगे। तो किस कुछ हद तक तो आप अहिंसा में आ गए, लेकिन फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या, अद्वेष्टा सर्वभूताना मतलब हमारा दूसरे भक्तों को भी हम द्वेष नहीं करना है, वो भी पास हो जाएगा। अगर दूसरे भक्तों को, कुछ लोग तो वहां पर फेल हो जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब भक्तों को पसंद नहीं करते हैं, उनको फलाने फलाने भक्त अच्छे लगते हैं, फलाने फलाने भक्त अच्छे नहीं लगते। कुछ लोग भक्तों में भी मटेरियल कैलकुलेशन करते हैं कि इस जाति का भक्त है, इस जाति का भक्त है, इस देश का भक्त है, इस तरह से भेदाभेद तो वहां ही कट जाते हैं, तो बहुत नीचे स्तर में कट गए। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि ये तो बंगाली है, ये तो अमेरिकन है, ये तो चाइनीज है। तो भक्तों को चाइनीज बोल के घृणा करना, बंगाली बोल के वह घृणा करना, वह अमेरिकन बोल के ये तो म्लेच्छ है घृणा करना, ये यहाँ पर आप कट गए। तो किसी प्रकार का भेदाभेद करना जाति के ऊपर या फिर उनका शरीर के ऊपर, किसी भी प्रकार का भेदभाव कैंसिल हो गया, तो उसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पर बहुत लोग कैंसिल हो जाते हैं, 50% लोग तो ऐसे भक्त हैं, कम से कम 50 नहीं तो 20% डिवोटी जो शरीर से भेदाभेद करते रहते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। फिर ऊपर जाएंगे तो हमको देखेंगे अद्वेष्टा सर्वभूतानाम का अर्थ होगा कि जो भक्त हमको द्वेष करता है, हमारे प्रति जो द्वेष कर रहा है उसके प्रति द्वेष नहीं करना, ये थोड़ा टफ हो जाएगा, इसमें हम लोग फेल होंगे। कोई भक्त हमको द्वेष कर रहा है, कोई भक्त हमको पसंद नहीं करता है, हमको द्वेष क्या, हमको डिस्टर्ब कर रहा है, समझ लीजिए कोई हमको डिस्टर्ब कर रहा है, उसके प्रति अगर मैं द्वेष करूंगा तो ये तो बहुत स्वाभाविक है, इसमें फेल हो जाएंगे हम लोग, ये क्वालिटी में हमारा फेल हो जा रहा है। इसलिए मौन ब्रजराज पू ने बोला कि हमारा एक क्वालिटी भी नहीं है, क्योंकि ये एक नंबर क्वालिटी यही है। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोल रहे हैं,
ऐसे हवा में नहीं बोल दिया हमको, इसको तो समझना पड़ेगा। कोई द्वेष हमको कर रहा है, हमको डिस्टर्ब कर रहा है, हमको परेशान कर रहा है, तो क्या उसके प्रति हम द्वेष नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? इसके पीछे क्या साइंस क्या है? तो पहला तो ये हो गया कि भाई हमारा कर्मों का फल है, हमने कुछ कर्म किए होंगे पिछले जन्म में या इस जन्म में, उस कर्मों का फल वो हमको दे रहा है। इसलिए अब उसको दोष नहीं दे के अपने कर्मों को ही दोष दे दे कि हमने कुछ खराब काम किया होगा, इसलिए वो भक्त हमारे साथ खराब आचरण कर रहा है, इसलिए उसका कोई फॉल्ट नहीं है, उसका कोई फॉल्ट नहीं है, वो एक वाहक है। वाहक मतलब कैरियर है। किसका कैरियर है? वो मेरे कर्मों का फल का वाहक है, कैरियर है, वो कैरी करके ला रहा है। मेरे कर्मों का फल उसके कंधे पे थोप दिया। किसने? वो देवताओं ने, माया ने, जिसने भी। तो मेरे जो कर्मों का फल है उसके कंधे पे थोप दिया और मेरे पास वो वाहक करके ला रहा है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग के किसी कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना, तो उसके कंधे पे बंदूक रख के माया देवी गोली चला रही है हमारे ऊपर। ऐसे हम कई बार सुना प्रभु वो उसके कंधे पे रख के गोली चला रहा है। तो अच्छा, इसका मतलब किसी को यूज करना, तो हमारे कर्म फल है वो उसको यूज किया जा रहा है। ये अगर हम समझेंगे तभी हमारा द्वेष कटेगा, नहीं तो द्वेष बना रहेगा। तो द्वेष कटने के लिए यही समझना पड़ेगा कि जो जीव हमारे प्रति खराब आचरण कर रहा है वो मेरे कर्म फलों का वाहक है और मेरे को इसीलिए वो कष्ट दे रहा है, तो उसको हम घृणा नहीं करेंगे और अपने कर्मों को सुधारेंगे। और एक सोच सकते, दूसरा एक उपाय है। तो पहला उपाय बताया कर्मों का फल, दूसरा उपाय है कि वो जो द्वेष कर रहा है मेरे प्रति वो भगवान के द्वारा प्रेरित है और मेरी परीक्षा के लिए है। तो वो द्वेष करता है लेकिन मैं अगर उसको टॉलरेट कर लूंगा, सहन करूंगा, तो मेरे को फायदा होगा। तो मेरे लाभ के लिए वो ऐसा, मेरी परीक्षा के लिए भगवान ने उसको नियोजित किया है। ओके, तो ये बात स्वीकार करने में कोई दिक्कत है? इस बात को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम, हाँ, ये बात, ठीक था, अगर वंडरफुल आप प्रभु। कोई आपको कोई द्वेष करता है ना, वंडरफुल बोलना तो बहुत ईजी है, लेकिन सोचिए आपका जीवन में वो परिस्थिति आ रही है तो आप उसको हैंडल कर पाते कि नहीं, कैसे हैंडल करते हैं, यस प्रभु, इन दिस योर इज शूज। एंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव गिवन टू विल इंप्लीमेंट इन आवर लाइफ। थैंक यू। हाँ, रोहिणी माता जी, रोहिणी ब्रजराज माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम प्रभु। अक्सर देखा गया कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति है, तो ये दूसरे पे डिपेंड करता है कि हम उसके साथ अच्छा व्यवहार रखें हमेशा के लिए, क्योंकि हम एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, लेकिन जब देखेंगे कि वो मेरे लिए, मान लीजिए मेरे शब्द ऐसे ही है, हमारे लिए गड्ढा खोद रहा है, तो वो फिर हम उससे क्या थोड़ा दूरी बरतेंगे, उसके पास हम नहीं, बर्ताव नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे सोचा कि भाई इस तरह से मेरे साथ हुआ, किसी भी व्यक्ति के लिए बोल रही हूँ मैं, तो ये कारण है कि हम अपना व्यवहार अच्छा रख सकते हैं लेकिन सामने वाले का भी रिस्पॉन्स वैसा आना चाहिए। हरे बोल, हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। हमको क्या करना है वो हम ही चर्चा कर रहे हैं। सामने वाला क्या करेगा तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। पूरी दुनिया को हम
हम कहाँ कंट्रोल करने जाएंगे। तो ये बात भी आपका ठीक है कि समझ लीजिए कि को बार बार कोई परेशान कर रहा है, आप दूरी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी आपका अद्वेष्टा गुण में आप पास हो जाएंगे। अगर द्वेष नहीं करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, अगर द्वेष करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन दूरी बनाना कोई द्वेष नहीं है कि किसी से दूरी बनाना द्वेष नहीं। समझ लीजिए आप पाकिस्तान में है और वहाँ बांग्लादेश में, और आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो बांग्लादेश छोड़ दीजिए आप भाई, दूसरे किसी देश में सेटल हो जाइए। तो इसमें कोई आपका अपराध नहीं है, दोष नहीं है, तो ये तो करना ही चाहिए, नहीं तो कैसे हो सकता है। आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, वहां पर आपको सब लोग अत्याचार कर रहे हैं, नौकरी में ऑफिस में सब लोग मिस अब्यूज कर रहे हैं, तो आपको तुरंत छोड़ दीजिए नौकरी, दूसरे जगह चले जाइए। तो ये तो आपको करना ही चाहिए, इसको हम नहीं बोल रहे कि आपको सहन करना नहीं है, नहीं, द्वेष नहीं करना, ये बात है, ये समझने। दूसरा है कि समझ लीजिए कि हमारा कर्म फल एक में मिला। दूसरा बोला कि मैं कि उस वो भी तीन गुण से प्रभावित है, जो व्यक्ति हमारे साथ ऐसा डील कर रहा है वो हो सकता है तमोगुण में हो। तो तमोगुण का तो लक्षण है कि अत्याचार करना, उत्पीड़न करना, गुस्सा करना, उसके बाद उसको विनाश कर देना, सबका विनाश कर देना, उग्रवादी, सब तमोगुण में। तब उग्रवादी के बीच में जाके हम परीक्षा लेने जाएंगे कि देखिए मेरे में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम आया कि नहीं, तो वो भी एक हाई लेवल में होता है ऐसा भी, वो तो अभी आप करने की जरूरत नहीं है कि मेरे में अद्वेष्टा गुण आया कि नहीं। मैं उग्रवादी के बीच में जाके बैठ के टेस्ट करूंगा, वो फिर दूसरा ही लेवल हो गया, वो हमको अभी प्रैक्टिस नहीं करना, अभी हमको क्या अपने को बचाना है। तो प्रभु इसलिए अभी यहाँ पर तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने यही बात लिखा जो मैंने बताया, देखिए हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। प्योर ड्यूटी इज नेवर डिस्टर्ब इन एनी सर्कमस्टेंस, इज नॉट एनवेस्ट एनी वन, नोर डज अ डिवोटी बिकम्स एनिमीज एनिमी। देखिए ये बात, नोर डज अ डिवोटी बिकम्स हिज एनिमीज एनिमी, मतलब समझ रहे, लाइन को थोड़ा समझ लीजिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक भक्त अपने दुश्मन का दुश्मन नहीं बनता है। इसका मतलब दुश्मन तो है हमारा, कोई शत्रु तो रहेगा, लेकिन हम उसके शत्रु नहीं बनेंगे, ये बोल रहे हैं। एनिमीज एनिमी मतलब दुश्मन का दुश्मन, मतलब वो दुश्मन है, वो हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है, शत्रुता कर रहा है, मेरा नुकसान कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन मैं उनका नुकसान नहीं करता हूँ, मैं उसका प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूँ, तो वो हो गया एनिमीज एनिमी, ठीक है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये क्यों, आप ये क्यों उसका भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, आप अपने कृष्ण को प्रिय बनने के लिए करना, हमारा स्वार्थ है इसमें, उसका स्वार्थ नहीं है। आप जब उसका स्वार्थ देखेंगे तब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि वो तो ऐसा कर रहा है तो हम क्यों ऐसा करेंगे। अरे भाई, तुमको प्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको तो नहीं चाहिए कृष्ण प्रेम, तुमको प्रेम चाहिए तो तुम फॉलो करो, ये बात है। क्योंकि यहाँ पर अगर हमको कृष्ण का प्रिय बनना है तो हमको फॉलो करना है, उसको कृष्ण को प्रिय बनना है कि वो अपना देख लेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां। फिर आगे कहते हैं ही थिंक्स, प्रभुपाद बोलो, वो ऐसा सोचता है, क्या सोचता है, दिस पर्सन इज एक्टिंग एज माई एनिमी ड्यू टू माई ओन पास्ट मिस्ड डीड्स। ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है क्योंकि मेरे खुद का पिछले जन्म का कर्म फल है। जो मैं बोला हूँ एक एक लाइन आपको मिल जाएगा इसमें, मैं कभी अपने कल्पना से कुछ नहीं बोलता हूँ, अवॉइड करता हूँ बोलना। सो इट इज बेटर टू सफर देन प्रोटेस्ट, प्रो पागल, क्योंकि मेरे कर्मों का फल वो हमको दे रहा है, इसलिए मुझे प्रोटेस्ट नहीं करना है, सफर करना है। प्रभुपाद बोल रहे हैं प्रोटेस्ट नहीं करना है, सफर करना है, मतलब भोगना है वो कर्म का फल, हमको प्रोटेस्ट नहीं करना है। मतलब समझ लीजिए कि मैं प्रसाद में गया, ठीक है, तो एक भक्त ने जानबूझ के सबको गुलाब जामुन दे रहा, और मेरे जब बारी आया तो जानबूझ के नहीं दिया मेरे को, समझ लीजिए, अथवा सबको बड़ा बड़ा गुलाब जामुन दे, मेरे को आधा टुकड़ा दे दिया, तो अभी मेरे को वहां गुस्सा नहीं करना है, प्रोटेस्ट नहीं करना है,
वहां पर हमको चुपचाप सहन करना है। तो ये परीक्षा है, छोटा सा। आपको बहुत बड़ा हरिदास ठाकुर बनाने की बात नहीं करना है, खाली रसगुल्ला का जा गुलाब जामुन का बात हो रहा है। तो वहां पर ही हम लोग का फेल हो जाता है। तो हम वहां चुप रहेंगे, क्यों रहेंगे? हमको ये सोचना है कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, जरूर उसको कोई प्रेरणा दिया अंदर से, नहीं तो अपने आप मेरे साथ सबको दे रहा है, मेरे को क्यों नहीं दिया? और हम लोग क्या बोले, नहीं सबको देता तो मेरे को क्यों नहीं दिया, हम इसी बात पे झगड़ा करते। और तुम यही सोचो कि सबको देते तो मेरे को क्यों नहीं दिया, जरूर पीछे कुछ कारण है, जरूर पीछे कृष्ण का हाथ है। ये हमको सोचना है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, जरूर कृष्ण का हाथ है उसके अंदर। तो ये विचार कर लेते हैं तभी आपका समाधान होगा। तो प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए छोटा छोटा कारण के लिए कि मेरे साथ ऐसा, मेरे को क्यों एक रूम खराब मिला, मेरे को क्यों प्रसाद खराब दिया, क्यों मेरे साथ ऐसा किया। अरे ये सोचना चाहिए कि या मेरे साथ अच्छा हो रहा है तभी भी सोचना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कभी कभी हमको दो देते हैं, हम सबको एक दे रहे, हमको डबल दे दिया, तभी भी सोचना चाहिए कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों करा है। ये बोल रहे हैं प्रोटेस्ट नहीं करना। फिर आगे जाते हैं, तत्तेनो कंपां सुसमीक्षमाणा कुञ्जन एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वा क्वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत्तयो मुक्तिपदे सदाएव। ये श्लोक में जो प्रभुपाद बोल रहे हैं वो बात श्लोक में भी लिखा है कि भक्त क्या कहता है, आपने भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, आत्मकृतम विपाकम, मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल, ऐसा सोच के वो भोगता रहता है। प्रोटेस्ट नहीं करता है, वो नमस्कार करता है। नमस्कार करता है किसको? नमस्कार करता है वो सिचुएशन को, नमस्कार करना है, समझ रहे हैं? वो बोल रहे हैं नमस्ते, किसको नमस्कार करता है वो? उसको प्रणाम करेगा, रसगुल्ला को, आधा देने वाले को, मन में प्रणाम करेगा कि धन्यवाद प्रभु आपने, उसको नमस्कार करना है। जो हमारे प्रति मिसबिहेव कर रहा है उसको नमस्कार करना है, उसको नहीं, हम अपने क्या डेस्टिनी को नमस्कार कर रहे हैं, अपने डेस्टिनी को, अपने भाग्य को नमस्कार कर रहे हैं कि हे प्रभु ठीक है आपका ये विधान, आपके विधान को मैं नमस्कार कर रहा हूं, विधि को नमस्कार कर रहा हूं, विधि विधान को नमस्कार करेंगे। विधि विधान को लोग गाली देते हैं, जब खराब कुछ होता है किसी का, कुछ संसार में दुर्घटना घटता है तो विधि विधान को ही सीधा टारगेट करके उनका बोलने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, विधान में ऐसा क्यों लिखा है, गलत है। लेकिन उसको नमस्कार करो, भाई विधान में जो लिखा है ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं, जो हो गया हो गया, कृष्ण की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। आगे फिर लिखा है, वेन एवर अ डिवोटी इज इन डिस्ट्रेस और हैज फॉलन इनटू डिफिकल्टी, ही थिंक्स दैट इट इज द लॉर्ड्स मर्सी अपॉन हिम। जब कोई भक्त दुख में होता है, वह फॉलन इन डिफिकल्टी, प्रॉब्लम में फंस जाता है, तब वो क्या सोचता है कि कृष्ण की मेरे ऊपर कृपा है। कृष्ण की मेरे ऊपर कृपा है, थैंक्स टू माई पास्ट मिसडीड्स आई शुड सफर फार फार ग्रेटर देन वाई एम सफरिंग नाउ। मेरे को और बहुत ज्यादा कष्ट मिलना चाहिए था, मेरे को और बहुत ज्यादा परेशानी होना चाहिए था, लेकिन इतना कम परेशानी क्यों आया, ये भक्त सोचता है। ये प्योर डिविटी का थिंकिंग ऐसा होता है कि मैंने जैसे कर्म किए हैं दुराचार के, उसके बदले तो बहुत ज्यादा बड़ा दंड मिलना चाहिए, ये तो बहुत कम दंड में मेरे को निकाल दिया जा रहा है, ये ऐसा सोचता है भक्त। मुझे पनिशमेंट व दंड और प्रकृति से बहुत जबरदस्त मिलना चाहिए, लेकिन बहुत मामूली में टोकन टोकन देके छुटकारा दिया जा रहा है, टोकन मनी।
टोकन बोलते हैं, टोकन ऑफ, जैसे टोकन देते हैं, जैसे टोकन देके छुटा छुटकारा दे दिया, तो ये है। फिर आगे प्रभुपाद बोल रहे हैं, सो इट इज माय, इट इज बाय द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड दैट आई एम नॉट गेटिंग ऑल द पनिशमेंट विच आई एम ड्यू। ये तो भगवान की कृपा है कि मेरे को पूरा पनिशमेंट नहीं मिल रहा जो मेरे को मिलना चाहिए। ऐसा विचार आता है क्या? ऐसा विचार आता है कि भगवान को मेरे को और पनिशमेंट देना चाहिए, लेकिन बहुत कम पनिशमेंट दे रहे हैं, मेरे को और सफरिंग होना चाहिए, एक तो बहुत कम सफरिंग आ रहा है, मतलब भगवान इतने कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर, ऐसा विचार आता है, ऐसा विचार आना चाहिए। तो ये है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, उसके बाद है मैत्र करुणा एवच, तो मैत्र करुणा एवच उसका व्याख्या आगे करते। सो इट इज बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड आई एम नॉट, वो हो गया, आई एम जस्ट गेटिंग द लिटिल, मैं वो थोड़ा सा मुझे मिल रहा है। बाय द मर्सी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड देयर फॉर ही इज ऑलवेज काम क्वाइट पेशेंट पेशेंस डिस्पाइट मैनी डिस्ट्रेसफुल कंडीशंस, इसलिए वो भक्त शांत रहता है, इतना कुछ प्रॉब्लम होने के बाद भी वो शांत रहता है, काम रहता है, क्वाइट रहता है, चुप रहता है और धीरज धीरज रखता है, धीरज सब देखता है क्या हो रहा है, चलो देखो। और डिस्पाइट मैनी डिस्ट्रेसफुल कंडीशन, और कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम होने के बाद भी वो शांत रहता है, चुप रहता है और धीरज रखता है, धीरज नहीं खोएगा वो, और चुप अपनी चुप्पी को नहीं खोलेगा वो, मुंह से बक बक करना शुरू कर दिया अब नहीं, चुप रहेगा वो और शांत रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता। शांत का मतलब डिस्टर्ब नहीं होना, क्वाइट का मतलब चुप रहने का मतलब वो जो हुआ है उसको ढंढेरा पीट के, मतलब सब दुनिया में नगाड़ा के बजाना शुरू करेगा, ऐसा नहीं, चुप रहेगा ठीक है और धीरज रखेगा। तो ये पहले क्या होता है, जो जिसमें गुण नहीं है वो पहले तो अशांत हो जाते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस से अशांत हो गए, बेचैन हो गए, दूसरा करेंगे क्वाइट नहीं रहेंगे, वो चुप नहीं रहेंगे, सबको मैं बोल दूंगा, सबको बोल दूंगा, सबको पता चल जाना चाहिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो ढंढेरा पीट के ढोल पीट के अनाउंस करना चाहेगा। और तीसरा क्या है, काम क्वाइट, एंड तीसरा है पेशेंस धीरज, अपनी धीरज नहीं खोएगा। हाँ धीरज नहीं खोना मतलब वो ठीक बहुत धीरे से देखता रहेगा और अपना भक्ति करता रहेगा। काम क्वाइट पेशेंस, और एक क्या बताया प्रभुपाद, एक एक प्रभुपाद के एक एक शब्दों का कितना मूल्य है, एंड डिस्पाइट मैनी डिस्ट्रेसफुल कंडीशंस डिवोट इज ऑलवेज काइंड टू एवरीवन इवन टू हिज एनिमी। ये हो गया मैत्र करुणा एवच, मैत्र करुणा के लिए प्रभुपाद ने छोटा सा एक ही सेंटेंस लिखा है, इज काइंड टू इवन इज एनिमी। तो ये फिर उसके ऊपर का परीक्षा है, अद्वेष्टा में अगर पास हो गए किसी तरह से, अद्वेष्टा में पास करना है पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे तो क्या होगा, मैत्र और करुणा, ये मैत्र करुणा पशु पंछी के प्रति नहीं, वो तो होना ही है, वो तो पहले ही हो चुका है, बहुत पहले, पशु पंछी के प्रति मैत्र करुणा तो सब लोग होते हैं, कर्मी भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, मायावादी सब लोग होते हैं, लेकिन मैत्र करुणा किसके प्रति, जो हमारे प्रति द्वेष कर रहा है उसके प्रति, मतलब बाकी सब तो इंक्लूडेड है, बाकी सबके प्रति तो मित्रता और करुणा करनी ही है, लेकिन जो मेरे प्रति द्वेष कर रहा है उसके प्रति करुणा करना, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ऐसा डिफिकल्ट टास्क भगवान क्यों दे रहे हम लोगों को, मैत्र करुणा, जो हमको द्वेष करेगा उसके प्रति करुणा करना, इसको अब अगर हम बोलूंगा तो कोई भी लेक्चर दे देगा, अभी मैं आप पूछूंगा तो आप 10 टू एग्जाम्पल दे देंगे, हाँ प्रभु ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन इसको सोचना है, समझना है,
इसको कैसे जीवन में उतार सकते हैं, इसके ऊपर दिमाग लगाना है, वो दूसरा चीज है। लेक्चर देना एक चीज हो गया, प्रवचन तो कोई भी कर देगा इसके ऊपर, लेकिन इसको समझ के हाउ टू अप्लाई इन लाइफ, उसके पीछे साइंस क्या है, वो जो किसी को उपलब्धि है वही बता सकता है। किसी ने उपलब्धि किया है वो असल में बता सकता है कि वो चीज क्या है, नहीं तो तोते के जैसे कोई भी बोल सकता है। तो करुणा, अब करुण क्यों करें, करुण करुणा क्यों, कैसी चीज है करुणा? एक ऐसा चीज है जो समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति, आप अपने जीवन में किसी दुख को सहन किया, आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी हुआ, हाँ आप बीमारी से गुजरे, ठीक है ना, और गुजर के आप बाहर आ गए, वो बीमारी अगर दूसरे किसी को होगा तब आप सोचेंगे कि देखिए मेरे को दर्द हो रहा था, उसको भी दर्द हो रहा होगा, तो वो दर्द कितना हो रहा हो, कितना कष्ट पा रहा है, तब आपको उसके प्रति अगर थोड़ा करुणा आ सकता है ना, कि मैं समझता हूं ये दर्द क्या है कि नहीं। जैसे कोई आदमी अगर पहले नशेड़ी था, दारू पीता था, वो अगर भक्ति में आ जाए और फिर दूसरा दूसरा कोई भक्त दारू पीने वाला भक्ति में आ रहा है, तो उसके प्रति देखिए उसका करुणा होगा नेचुरली, वो उसको पता है कि मैं किस प्रोसेस के गुजर के इधर पहुंचा हूँ, वो भी वो प्रोसेस से आ रहा है, तो उसको कितना कष्ट हो रहा है वो समझ पा रहा है वो भी। तो इसमें करुणा आती है। तो हम जो प्रॉब्लम से निकल के आए हैं, वो प्रॉब्लम इसी प्रकार जो हमारा हमारे प्रति द्वेष कर रहा है, हमारे प्रति कोई एनमिटी कर रहा है, हमारा कोई बुराई कर रहा है, अगर हम ऐसा सोचेंगे कि वो जीव है जो हमारे प्रति द्वेष कर रहा है, वो एक्चुअली वो सफर कर रहा है, वास्तव में वो सफर कर रहा है, वो कष्ट पा रहा है, क्योंकि द्वेष करके किसी को आनंद क्या मिल, आनंद थोड़ी मिलता है, द्वेष में आनंद कहाँ है, द्वेष में तो दुख ही दुख है, द्वेष करने में आनंद नहीं होता है, द्वेष करने में दुख होता है, लेकिन वो समझता नहीं है। या फिर हम अगर द्वेष किसी को नहीं करते हैं, उस गुण से अगर हम मुक्त हैं तभी उसको हम करुणा कर पाएंगे। अगर हम किसी को द्वेष करें तो हमको करुणा का भाव आएगा नहीं, हम समझ नहीं पाएंगे करुणा क्या चीज है। ओके, तो ये था मैत्र करुणा। अब एग्जाम्पल तो बहुत है, जीसस क्राइस्ट को जब वो लोग मार रहे थे, उन्होंने करुणा किया उनके ऊपर, जो मार रहे थे उनके प्रति करुणा किया, अरदास ठाकुर को वो लोग मार रहे थे, उनके प्रति अरदास ठाकुर ने करुणा किया, कृष्णा को अभी जब इंद्र ने पूरा वृंदावन को डुबाने का प्रयास किया, इंद्र ने वृंदावन को पूरा डुबाने का प्रयास किया, बारिश और वर्षा झंझावात से, तो इंद्र ने इन कृष्ण ने इंद्र के प्रति कोई द्वेष नहीं किया, इंद्र को मारा नहीं, इंद्र के ऊपर गुस्सा नहीं किया, और उल्टा इंद्र को करुणा किया। कालिया, कालिया के प्रति भगवान का करुणा था, कोई द्वेष नहीं था, सब बाहर से लग रहा है कि भगवान कालिया को मार रहे हैं ये वो, लेकिन एक्चुअली भगवान की करुणा उसमें है। तो कालिया को ट्रीटमेंट अलग किया, इंद्र का ट्रीटमेंट अलग था, जैसे जैसा ट्रीटमेंट भगवान जानते करना है, लेकिन करुणा सबके, इंद्र के प्रति भगवान करुणा किए, कालिया को भी करुणा किए, ब्रह्मा को भी करुणा किए, ब्रह्मा ने गलती की तो उनके प्रति भगवान ने अलग से डीलिंग किया, इंद्र के से अलग डीलिंग किया, कालिया से अलग डीलिंग किया, सबने नुकसान तो ऐसा ही एक जैसा ही किया, कालिया ने जितना नुकसान किया इंद्र ने भी वैसा ही नुकसान करने का प्रयास किया, कर नहीं पाया, और ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही कुछ किया, लेकिन
भगवान की सबके प्रति करुणा थी, उन्होंने द्वेष किसी के प्रति नहीं किया। भगवान भगवान के हृदय में द्वेष नहीं रह सकता है, सबके प्रति करुणा रहती है उनके हृदय में। तो और एक बात यह है कि अगर हम ये समझ लें कि वो जो जीव है वो भगवान का अंश है, भगवान का भक्त है और भगवान का प्रिय है वो भी, तो फिर द्वेष नहीं होगा। ये और एक लेवल, ऊंचे लेवल का। पहले तो हम बोले कि कर्म का फल है, फिर हम बोल रहे हैं कि परीक्षा हो रहा है। तीसरा एक बात है कि वो भगवान का प्रिय है, वो सोच के अगर हम सहन कर ले वो और उसे ऊपर हो जाएगा। ये निर्ममा निराहंकार, निर्ममा मतलब ममत्व, ममत्व के रहित, ममत्व रहित। मम मतलब मेरा, मेरा 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 घर मेरा ये, और अहंकार मतलब मैं और मेरा। निर्ममो निराहंकार, एक साथ दोनों दिया है। निराहंकार मतलब अहंकार और मम मतलब ममत्व, अहंकार रहित ममत्व रहित। अहंकार वो अहंकार नहीं जो हम लोग जिस अहंकार की चर्चा करते हैं समाज में, वो दूसरा अहंकार है। और कृष्ण यहाँ पर जिस अहंकार की बात करें वो दूसरा अहंकार है। हम लोग अहंकार मतलब कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई करता तो ये अहंकारी हो गया है, कोई ज्यादा पैसा है तो इसको पैसे का अहंकार हो गया है, कोई अगर ज्यादा पावरफुल है तो इसको पावर का अहंकार हो गया है, ऐसे बोलते हैं। वो अहंकार दूसरा चीज है। यहाँ पर अहंकार का मतलब है अपना परिचय, मैं अपने को शरीर नहीं मानना। मैं जो शरीर हूं ये अहंकार है। और निरहंकार मतलब अपने आप को मैं भगवान का दास हूँ, भौतिक सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, ये निरहंकार है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सब उपाधियों से रहित होना, सब उपाधियों से रहित होना वही निरहंकार है। निर्ममत्व ममता रहित का अर्थ है कि, या ममता के भी अर्थ दूसरा है। हम लोग जो ममता का अर्थ कहते हैं समाज में, और यहाँ पर ममता का टोटली डिफरेंस। यहाँ ममत्व रहित मतलब ममत्व और ममता में अंतर है। ममत्व मतलब है मेरा, तो मैं और मेरा, तो मैं हूँ ये हूँ मैं ये हूँ ये सब मेरा है, ये हमारा संसार का बड़ा बंधन है। अब मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे प्रभु हैं और सब कुछ कृष्ण का है। ये दो चीज में इसका समाधान होगा। इसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा और प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा मतलब जो भी हम कुछ भोग करते हैं उसको पहले कृष्ण को निवेदन करना है और कृष्ण का प्रसाद के रूप में भोग करना है, तभी समझ पाएंगे कि मेरा नहीं है कृष्ण का है, नहीं तो कभी समझ नहीं पाएंगे, खाली बोलते रहेंगे। ओके। निर्ममो निरंकार समा सुख दुख क्षमी, सुख दुख में समान, और क्षमी मतलब क्षमा करने वाला। क्षमा, क्षमा का दो अर्थ है, सहन करना और क्षमा मतलब किसी को माफ कर देना। दोनों क्षमा का दो अर्थ है, माफ करना या सहन करना। संतुष्ट, संतुष्ट रहना, इसका चर्चा हो चुका है पहले। सततम योगी, सततम योगी का मतलब निरंतर कनेक्शन बनाना, निरंतर कृष्ण से संपर्क बनाए रखना, ये क्वालिटी बहुत ही ऊंचा है, बहुत जरूरी भी है। सततम योगी, योगी क्या करता है, योगी आधा घंटा जाके बैठ के ध्यान करेगा, योगी ध्यान करेगा फिर आधा घंटा के बाद फिर संसार में योगा में सर। लेकिन कृष्ण मतलब सततम योगी मतलब 24 घंटा योगी बने रहना है। तो 24 घंटा योगी बनने का मतलब क्या हुआ, क्या हम 24 घंटा बैठे रहेंगे तो फिर काम कौन करेगा, खाना कौन खाएगा, खाना बनाएगा कौन। तो योगी का मतलब कनेक्शन, सततम योगी। तो वहां जैसे पहाड़ पे बैठ के हम
आंख बंद करके कनेक्शन करते भगवान से, ऐसे आंख पर हमको चलते फिरते कनेक्शन बनाना है। इसका अर्थ योगी, यहाँ पर सततम योगी का अर्थ यह हुआ। वो चलता फिरता योगी रहेगा वो, मतलब जैसे योगी बैठ के भगवान को ध्यान करता है, भक्त इसी प्रकार से भगवान से जुड़ा रहेगा, ये सततम योगी। तो इसके लिए फिर क्या चाहिए? इसके लिए फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर हमको सततम योगी बनना है तो वैसा परिवेश बनाना पड़ेगा, वैसा हमको वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा। उस वातावरण क्रिएट करेंगे तभी सततम योगी बन पाएंगे, क्योंकि जो बहुत एडवांस होते हैं वो तो सब जगह योगी बन जाते हैं, कहीं पर भी रहे उनको मन भगवान से जुड़ा रहता है। लेकिन जो साधक है, जो भी साधना कर रहा है हमारे जैसे लोग, उनके लिए अगर सततम योगी बनना है तो हमको पूरा अच्छे से प्लानिंग करना पड़ेगा, वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा, सब कुछ बनाना पड़ेगा अपना जीवन को ऐसा, तभी हम सततम योगी बन पाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक कृष्ण से कनेक्शन बना रहेगा, तो वो सततम योगी का अर्थ है। यथात्मा दृढ़ निश्चय, यथात्मा का अर्थ है मन और इंद्रियों को, मन को नियंत्रण में रखना, और दृढ़ निश्चय मतलब डिटरमाइंड, डिटरमाइंड रहेगा, दृढ़ निश्चय, पक्का निश्चय। क्या निश्चय? कि मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान को खुशी करना है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, ये दृढ़ निश्चय होगा उसका। और लास्ट में मैं अर्पित मनोबुद्धि, ये मतलब टॉप मोस्ट हो गया, मतलब अध्वेष्टा से शुरू हुआ और समाप्त हुआ मैं अर्पित मनोबुद्धि। मुझे तो लगता है ये दो श्लोक में सब कुछ आ गया। अगर इसको और अगर विस्तार से चर्चा करेंगे तो ये दो श्लोक में पूरा गीता ही निकल जाएगा, पूरे पूरा गीता मिल जाएगा इसके अंदर ही हमको। तो क्या है? मैं अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि कृष्ण को अर्पित कर देना, अर्पित मतलब देना किसी को, है ना? अर्पित करना मतलब देना, जैसे आप किसी को 500 रुपये का नोट दिया, ऐसे मन को कृष्ण को देना है और बुद्धि को कृष्ण को देना है। तो अर्पित का अर्थ दे देना, मन और बुद्धि को कृष्ण को दे देना, इसका मतलब क्या है? मन में फिर कृष्ण ही रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा, बुद्धि में फिर कृष्ण ही रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। तो ये है मैं अर्पित मनोबुद्धिर, वो भक्त मेरा प्रिय है। मतलब यहाँ दो श्लोक के अंदर भगवान ने भक्ति का एकदम क्लास 1 से शुरू करके PhD तक पूरा दे दिया, अद्वेष्टा से शुरू करके मय्यर्पित मनोबुद्धि तक आ गया। अगर हम मनोबुद्धि को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो मतलब हमारा परफेक्ट हो गया लाइफ। इसलिए इसी अध्याय में, इसी अध्याय में थोड़ा सा पहले अर्जुन को भगवान ने पूछा, बोला कि भक्ति के जो स्तर है उसमें पहला स्तर था यही, मयि एव मन आदत्त स्व मयि बुद्धिम निवेशय नैव शिष्यस्य मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय, इसी में आगे 8 नंबर श्लोक। तो 8 नंबर श्लोक में यही बात आया कि जिसका मन और बुद्धि मेरे में लगा हुआ है वो टॉप मोस्ट डिवोटी है। मयि एव मन आदत्त स्व, हमारा मन मेरे अंदर लगा दो, मई बुद्धि में निवेश है, निवेश करना, निवेश बोलते हैं, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, तो बुद्धि को इन्वेस्ट करना है किसमें? कृष्ण में। वही बात इधर आया। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका यह मद भक्त समय प्रिय, ऐसा मेरा भक्त होगा वो मेरे को प्रिय है। तो अगर आप समझ लीजिए इस लेवल पे नहीं है तो आप भगवान के प्रिय नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितना
जितने स्तर पे उतना ही भगवान को प्रिय है। समझ लीजिए आपका अध्वेष्टा हो गया लेकिन मैत्र करुणा नहीं हुआ है, तो उतना हम प्रिय है। जितना एक क्वालिटी किया तो उतना प्रिय है भगवान को, दो क्वालिटी होगा तो उतना प्रिय है, सब क्वालिटी होगा तो भगवान को और ज्यादा प्रिय होंगे, यही बात है। ओके आगे, यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चया हर्षामर्ष भयो द्वेगे मुक्तो यस च मे प्रिय। इसमें भी भगवान बोलते हैं वो मेरा प्रिय है। कौन कौन? यस्मात् न उद्विजते लोको, उसके द्वारा कोई जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होगा। भक्त ऐसा कोई आचरण नहीं करता है कि उस आचरण से, हमारे आचरण से दूसरे किसी भक्त को उद्वेग हो, ऐसा वो आचरण नहीं करता है। यस्मा न उद्विजते लोको, उसके द्वारा कोई भक्त उद्वेग प्राप्त नहीं होगा। उसकी वाणी के द्वारा, उसके कर्म के द्वारा, उसका मन में विचार के द्वारा वो उद्वेग प्राप्त कोई नहीं हो, ऐसा प्रयास करेगा। तो इसके बारे में बहुत ही हमको सोच समझ के बात करना चाहिए। कई लोग सोचते नहीं, फट 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 बोल देते हैं मुंह से जो मुंह में आता है, और फिर अपने ऊपर एक लेबल लगाते थे क्या कि मैं सत्यवादी हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड के नाम से आप मन में जो आया बकबक करके किसी को हर्ट करने का अधिकार नहीं है, तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वालिटी नहीं है कि मैं तो सीधा बात करने वाला हूं। और तो सीधा बात करने का मतलब ये नहीं कि हम सबको तीर कमान चलाते रहे। इसलिए यहाँ लिखा है किसी को उद्वेग प्राप्त नहीं करना, मतलब क्या, हमें बहुत सोच समझ के विचार करके बोलना चाहिए कि मेरा बात से उनको कहीं चोट लगेगा कि नहीं, चोट नहीं पहुंचाना चाहिए अपनी वाणी से व व्यवहार से। ये खाली प्रयास करना चाहिए, हमको कोशिश करना चाहिए, बाकी संसार में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है, होते रहता है। लेकिन हमें, अगर हम एटलीस्ट मन में ऐसा इच्छा रखना चाहिए कि मैं नहीं करना, हमें चोट नहीं पहुंचाऊंगा किसी, फिर लोका न उद्विजते चया। और कोई व्यक्ति उसको उद्वेग नहीं दे सकता है। तो पहला तो हमारे कंट्रोल में, दूसरा हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम किसी को उद्वेग नहीं देंगे तो समझ में आ गया, लेकिन दूसरा कोई हमको उद्वेग नहीं दे पाएगा, ये थोड़ा और कठिन हो गया। मतलब कोई हमको डिस्टर्ब कर रहा है लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, और हर्षा अमर्षा भया उद्वेगे मुक्तो यसम चमे प्रिया। चार चीजों से मुक्त होना है, चार चीजों से मुक्त होने को बोल रहे हैं भगवान, मुक्त तो, मुक्त तो होना है। पहला है हर्ष, हर्ष से मुक्त होना है। हर्ष से मुक्त होने का क्या तात्पर्य है? हर्ष तो करना चाहिए बोलते हैं, हर्ष रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। तो जनरली लोग हर्ष करते हैं दूसरे को छोटा करने के लिए। जब हम कोई जोक लगाते हैं, जोक, तो जोक में सब लोग हंसते हैं, कारण क्या है पता है? कोई बता सकता है जोक में सब लोग हंसते क्यों है? मैंने हिंट्स दे दिया ऑलरेडी, इसी में बोलते बोलते हिंट्स दे दिया, अभी आप लोग पकड़ पाए कि नहीं? माने देखिए उन सर प्रभु जी, दूसरा लोगों का अपमान होता है। लोगों तीन जन बोले तो मैं नहीं सुन पाया एक साथ। गोपाल बाबू आपने के बोला ना? छोटा ठीक है, मोहन वर्जराज को यही बोला था प्रभु जी, दूसरों का अपमान करके किसी को हम लोग आनंद फूर्ति दे रहे आप हैं। कोई भी जोकर देख लीजिए, मतलब
हम लोग को, मेरे को तो जो जोकर के प्रति बहुत घृणा होती है, अंदर से घृणा करता हूँ मैं। जैसे यहाँ अर्धवेष्टा वाला जो शब्द है मेरा, तो उधर ही फेल हो जाता है कि जोकर लोग के प्रति बहुत घृणा होती है। कभी कभी व्हाट्सएप में कहीं से आ जाते हैं जोकर लोग और उनका जोक सुनता हूँ तो मेरे को इतना उनके प्रति गुस्सा आता है कि वो किसी को छोटा दिखाते हैं हमेशा। या किसी नारी जाति के ऊपर जोक बनाएंगे तो नारी जाति को छोटा दिखाएंगे, सब पुरुष लोग हाथ ताली बजाएंगे। या कभी कभी पुरुषों को छोटा दिखाएंगे तो सब माते लोग हाथ उठाएंगे। कभी किसी पर्टिकुलर जाति को छोटा बताते हैं, कोई जाति का जोक होता है, पंजाबी का जोक होगा, सरदार जी का जोक होगा, किसी जाति का, किसी पर्टिकुलर उसका वो जोक रहता है, और उस जोक में किसी को निंदा अपमान किया जाता है, उसमें सब लोग ताली बजाते हैं। इसलिए हर्ष मतलब ये इस प्रकार का हर्ष जो दूसरे को छोटा दिखा के हर्ष करना, वो हर्ष भक्त लोग नहीं करेंगे। जैसे दो टीम है, एक टीम जीत गया, हाँ आपने गेम खेला, एक टीम जीत गया तो एक टीम सेलिब्रेट कर रहा है, तो जब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उस सेम टाइम दूसरा टीम क्या कर रहा है, दुख पा रहा है, तो वो सेलिब्रेशन के क्या फायदा, ऐसा सेलिब्रेशन के क्या फायदा। जब 24 में से 12 जन रो रहे हैं, 12 जन हंस रहे हैं, तो उसका बराबरी हो गया ना अगर वैल्यू करेंगे तो। 12 लोग को खुशी हो रही है, 12 लोग को दुख हो रहा है, तो वहां खुशी है कहाँ, बराबर इक्वल हो गया, तो उसमें फायदा क्या है। सेलिब्रेट सेलिब्रेट तो कर तब करना चाहिए जब सबको आनंद हुआ, सबको फायदा हुआ, उसको हम हर्ष मना सकते हैं, जिसमें सब जीव को फायदा हो रहा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किसी को कृपा किया तो सब भक्त लोग हरि बोल बोल के, ये सबको फायदा हुआ, तो वो जगह माता का उद्धार किया महाप्रभु ने, सब लोग आनंद से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो सेलिब्रेशन अच्छा है, उसमें सबका करुणा, सबका मंगल हो रहा है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इस तरह का जो सेलिब्रेशन है कि समझ लीजिए मेरा क्लास में मैं एक नंबर हो गया, अब मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, अरे बाबा तुम एक हो गया तो पीछे कितने लोग तो जीरो में चले गए, उनका दुख है, उसको भी सेलिब्रेट करो फिर। तो ये इस तरह का हर्ष पसंद नहीं है भगवान, इसलिए हर्ष से मुक्त होने को बोल रहे हैं। और अमर्ष, अमर्ष मतलब दुख नहीं करना, अगर हम हार गए तो दुख भी नहीं करना चाहिए, दोनों से मुक्त होना चाहिए, हर्ष और अमर्ष, हर्ष भी नहीं करना, अमर्ष भी नहीं करना है। भय, भय से मुक्त होना, और उद्वेग, भय और उद्वेग, भय का, भय से उद्वेग मुक्त होने का मतलब क्या होगा, भय भयम द्वितीय एवं, अगर कृष्ण से कनेक्ट रहते तो भय नहीं लगता है, जब कृष्ण से कनेक्शन कट जाता है तो भय लगना लग शुरू हो जाता है। भय कई प्रकार का होता है, एक तो खाली वो भूत का भय, वो तो बचपन का बच्चों के लिए है, हम लोग का भय भूतों का भय नहीं, हम लोग का भय है कि हमारा नौकरी चला जाएगा, हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा, हमारे घर का कोई परिवार का कोई बीमार पड़ जाएगा तो क्या होगा, किसी का मृत्यु हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमको भय है, हमारा बैंकरप्सी हो जाएगा तो क्या होगा, रिसेशन आएगा तो क्या होगा, ये भय हम लोग का भय ऐसा है। वो भय अगर कृष्ण से हम कनेक्शन बनाए रखते तो भय नहीं लगेगा कभी भी, क्योंकि अभय चरण अरविंद है कृष्ण। ओके नेक्स्ट है अनपेक्षा। अनपेक्षा किसी की अपेक्षा नहीं करता है भक्त, न्यूट्रल, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, तो अनपेक्षा, अनपेक्षा का मतलब है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना। तो पिछली बार क्लास में सूर्यवंशीपुर ने बताया कि मैं निराश्रय वाला क्वालिटी फॉलो करता हूँ, किसी का आश्रय नहीं लेता हूँ, कोई सेवा होता तो मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता हूँ, कर लेता हूँ खुद से, तो वो निराश्रय का एक्चुअली अर्थ नहीं है,
वाह, अनपेक्ष का अर्थ वो नहीं है यहाँ पर, कृष्ण वो बात नहीं बोल रहे हैं यहाँ। सब चीज में आप देखिए, हम लोग जो ऑर्डिनरी, हम लोग को जो जो चीज समझ में आता है वो नहीं होता है गीता में। गीता में जो दूसरे लेवल का ही अर्थ होता है, पहले वो हमको समझना होगा। हम लोग कोई भी चीज, ममता का हम लोग के पास दूसरा अर्थ था, अहंकार का दूसरा अर्थ था, लेकिन यहाँ पर दूसरा अर्थ मिला। इसी प्रकार अनपेक्ष व निराश्रय का अर्थ वो नहीं जो हम सोच रहे हैं यहाँ पर। यहाँ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होने का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी भक्तों के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। भक्तों के ऊपर तो डिपेंड होना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। भगवान के ऊपर, भक्तों के ऊपर डिपेंड तो होना ही है, तो वो डिपेंड का बात नहीं हो रहा है। ये अनपेक्ष का अर्थ हमारा खाने पीने सोने रहने के लिए हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि इसके बिना मेरा खाना बंद हो जाएगा, इसके बिना मेरा प्रोटेक्शन बंद हो जाएगा, मेरे को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो मेरे को खाना कौन देगा, हमारा जीवन कैसा चलेगा, ये चीज नहीं होगा। इसको कहते हैं अनपेक्ष, इसको कहते हैं निराश्रय। रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो अनपेक्ष, जैसे आपको कोई सेवा मिला, वो सेवा करने के लिए दूसरों का सहायता लेना, वो तो उसके लिए क्वालिटी चाहिए। क्या क्वालिटी चाहिए? दूसरों का टॉलरेट करना पड़ेगा, उसका प्रॉब्लम को सहन करना पड़ेगा, उसका प्रॉब्लम, तो उसके लिए एक एडवांस क्वालिटी वो है, दूसरे भक्तों को साथ में लेके काम करना, एक उसके लिए क्वालिटी, दूसरा क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी है वो। या कोऑपरेशन करना पड़ेगा दूसरों के साथ, और दूसरों भक्तों के साथ नहीं कर पाना वो एक दोष है, क्वालिटी नहीं है, वो फॉल्ट है। क्योंकि हम जैसे ही दूसरे भक्तों के साथ मिलके काम करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आते हैं। अगर हम हमारे से कोई ज्यादा क्वालिफाइड है उसके साथ काम करेंगे तो हमको छोटा बनना पड़ेगा, इसलिए हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। हमारे से जो इक्वल है उसके साथ भी हमको काम करें तो कॉपरेशन करना पड़ेगा, और हमारे से जो नीचे है, हाँ, उसके साथ हम काम नहीं कर पाते, डेलीगेट करेंगे तो हमको डर लगता है कि हमारा काम वो सीख जाएगा, वो कर लेगा। तो इस प्रकार से ये दोष में आता है। लेकिन क्वालिटी क्या बोल रही है? निराश्रय का अर्थ है हम किसी के ऊपर हमारा लाइफ डिपेंड नहीं होगा कि ये हमको, यहाँ मैं ये फलाना जगह नहीं रहूंगा तो मेरे को खाना कहाँ से मिलेगा, यहाँ ये नौकरी, ये दुकान, ये परिवार, ये व्यक्ति, इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, ये निराश्रय है। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए संसार में, जो वो नहीं रहेगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, वो नहीं रहेगा तो मेरा भक्ति नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको कहते हैं अनपेक्ष, वो किसी की अपेक्षा नहीं करता है। इसलिए गुरु को भी शिष्य के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन गुरु के ऊपर डिपेंड करना वो तो मस्ट है, शिष्य के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे लेकिन गुरु के ऊपर डिपेंड, गुरु के बिना हम नहीं रह पाएंगे, ये हमारे अंदर फीलिंग आना चाहिए कि गुरुदेव की कृपा नहीं होगी तो मैं नहीं रह पाऊंगा, ये फीलिंग होना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, रामचंद्र कविराज के बिना नरोत्तम दास ठाकुर बोलते मैं नहीं रह पाऊंगा। भक्तों के बिना नहीं रह पाएंगे, गुरु के बिना नहीं रह पाएंगे। ओके।
आगे है अनपेक्षा सूची। सूची का मतलब है प्योर। प्योर होता है एक तो शरीर से और आचरण से, दोनों से प्योर होना। शरीर का प्योरिटी है, हमेशा नहाना चाहिए कंटिन्यूस, जब भी कुछ बाथरूम जाते हैं कुछ भी कहीं पर भी शरीर गंदा होता है तुरंत नहाना चाहिए, या हाथ धोना चाहिए, मुंह धोना चाहिए, पाँव धोना चाहिए, बार बार पाँव धोना, जब जरूरत पड़ेगा तो पाँव धोना, जब जब जरूरत पड़े हाथ धोना, आचमन करना, ये सूची का लक्षण है। और दक्ष, दक्ष मतलब एक्सपर्ट, भगवान के भक्त एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट भी दो प्रकार का हो गया, एक तो भौतिक दृष्टि से एक्सपर्ट हो गया, सब काम करने में एक्सपर्ट है, तो वो एक्सपर्ट एक लेवल का हो गया, भगवान नेचुरली वो एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग कभी कभी उसका भी अर्थ निकाल लेते हैं कि एक्सपर्ट है, प्रभुपा जी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट थे, प्रभुपा जी कुकिंग में एक्सपर्ट थे, प्रभुपा जी ये बनाने में एक्सपर्ट थे, लेकिन एक्चुअली वो एक्सपर्टी की बात मुझे नहीं लग रहा है कृष्ण कर रहे हैं, वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि सब लोगों को सब सब काम में एक्सपर्ट हो ही नहीं सकते हैं। हरिदास ठाकुर को अगर कोई काम करने को बोलेंगे तो थोड़ी वो तो अरे जब करते हैं खाली, तो एक्सपर्ट का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो हम कर्म करते हैं वो कर्म करके भी बंधन नहीं हो, ऐसा कर्म करे वो एक्सपर्ट है। वो तीसरे अध्याय में आया है, ये भगवद गीता के तीसरे या चौथे अध्याय में ये बात भगवान बोलते हैं कि कोई अगर कर्म करता है और कर्म करते करते भी उसमें बंधन नहीं हो जाए, मतलब कर्म करें लेकिन बंधन नहीं होगा कर्म का, फंसेंगे नहीं, वो एक्सपर्ट है। कर्म करने का कौशल जो जानता है वो कर्म कौशलम, एक श्लोक है ना कर्म कौशलम, योन रिष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। रिष्यति और द्वेष्टि ये रिपीट हुआ, हाँ पहले हो चुका है इसलिए दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। न सोचति न कांक्षति, शोक नहीं करेगा और आकांक्षा नहीं करेगा शोक। तो हम लोग का एक्चुअली मैं देखा हूं हमारा मन मतलब, या पीछे का विचार करते रहता है मन कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना, जैसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ, वह फ्यूचर का सोचता रहता है, ये करना है वो करना है वो करना है, ये दो में हम फंसे रहते हैं, सोचती और का। सोचती मतलब पास्ट और कांक्षती मतलब फ्यूचर। तो हम लोग का मन ना पास्ट और फ्यूचर में भटकता है, पास्ट और फ्यूचर, जब कर रहे हैं लेकिन अभी जब वर्तमान में जो एक्टिविटी हो रहा है, अभी मैं जप कर रहा हूँ, अभी मैं कृष्ण का नाम ले रहा हूँ उसमें मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन बाद में मैं जप करूंगा अच्छे से करूंगा वो मैं सोच रहा हूँ अभी। सोचिए कितना मूर्ख मन हमको कितना चीटिंग कर रहा है, हमारा मन अभी हम जप कर रहे हैं और मन बोल रहा है कि तुम बाद में ऐसा करना तो तुम्हारा जप अच्छा होगा, और अभी तुम क्या कर रहे, अभी तो स्पेकुलेशन करवा रहा है, या पीछे का सोचते रहते हम, तो पास्ट का सोचते या फ्यूचर का, अभी जो चल वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं रहता है, तो मन हम लोग को चीटिंग करता है। तो न सोचते न कांक्षती, जब हम वर्तमान में रहना चाहिए, वहां जब कर रहे हैं तो जब में पीछे का नहीं सोचेंगे आगे का नहीं सोचेंगे, तो अभी तुम ठीक करो तो फ्यूचर तुम्हारा ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक। वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं हम अभी जब कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करेंगे तो फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, लेकिन हम अभी हम फ्यूचर का सोच रहे हैं वर्तमान को बिगाड़ रहे, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। सोचती और कांक्षती, शुभा शुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ कार्य में भक्त नहीं लगता है, पुण्य और पाप कर्म में नहीं लगता है, वो मेरा प्रिय भक्त है। तो कुछ गुणों का रिपीटेशन भी हो रहा है इसमें, समा शत्रु च मित्रे च, शत्रु और मित्र के प्रति समान रहेगा, इसका अर्थ भी समझना चाहिए। हम लोग गलत अर्थ निकाल सकते हैं सब चीजों का, शत्रु और मित्र के प्रति समान का अर्थ भी हमको समझना चाहिए, गलत अर्थ में नहीं निकालना चाहिए। एक भक्त है वो हमारा मित्र है, और एक नॉन डिवोटी है वो हमारा अगर शत्रु है,
तो दोनों के प्रति समान आचरण नहीं होगा। एक भक्त के प्रति हमारा जैसा आचरण होगा, एक अभक्त के प्रति वैसा आचरण नहीं होना चाहिए, दोनों का अलग होगा ट्रीटमेंट। तो समा शत्रु च मित्रे च, तो शत्रु मित्र हम हमारा जो शत्रु मित्र का डेफिनेशन है वो थोड़ा अभी गलत होगा। हमारा शत्रु मित्र का डेफिनेशन अगर भौतिक दृष्टि से देखेंगे कि भौतिक दृष्टि से जो हमको सहायता कर रहा है और भौतिक दृष्टि से हमको कोई बुराई कर रहा है, तो वो दोनों के प्रति बराबर व्यवहार करना है। क्योंकि जो सहायता कर रहा है समझना चाहिए वो भी माया में फंसा रहा है, और जो हमको सहायता नहीं कर रहा है वो हमको माया से निकाल रहा है। आप ऐसा समझ सकते हैं। इसलिए दोनों दोनों ही भगवान के वही प्रेरित है, जैसे पहले का कैरियर है मित्र और शत्रु। लेकिन भक्ति में जब आ गए तो इसमें शत्रु मित्र का बात अलग हो गया। इसमें तो हमको जो भक्ति में फेवरेबल है, जो हमको भक्ति में सहायता करते, वो हमको हमारे मित्र होने चाहिए, और जो भक्ति में हमारे सहायता नहीं करते वो हमको उनको दूरी बनाना चाहिए। इसमें तो हमको डिफरेंस मेंटेन करना होगा। इसमें हम समानता नहीं बरतना नहीं है इसमें। तो इसलिए इसको समझना जरूरी था कि भक्ति में मित्र और शत्रु का अर्थ ये हो गया कि जो हमको भक्ति में, जिसके द्वारा हमारी उन्नति हो रही है, जो भक्त हमको भक्ति में उन्नति ले जा रहा है वो हमारा मित्र होना चाहिए, और जो हमको भक्ति में नीचे ले जा रहा है वो हमको हमको अंदर से हृदय से समझना चाहिए कि वो हमारा मित्र नहीं है। ये तो धर्म अमृतम एकदम यथोक्तम परिपूर्ण, और भी एक है मान अपमान तथा मान अपमान है। मान और अपमान में भी समान रहना चाहिए। कोई हमको बहुत सम्मान किया, किसने अपमान किया, इसमें समानता बरतनी चाहिए। मतलब जब हमको कभी कभी हो सकता है हमको सम्मान मिल जाए, कभी कभी अपमान हो जाए, दोनों को स्वीकार करना होगा। जैसे मान मिला वो फ्री में मिला, तो सम्मान भी फ्री में मिला, कॉम्प्लीमेंट्री। हमको मान मिला उसको हमने सोचा हम ये तो फ्री में मिल गया, तो अपमान को भी फ्री में समझ लीजिए। अगर मान को भगवान की कृपा मान लिया तो अपमान को भी भगवान की कृपा मान लीजिए। अगर मान को अपना क्रेडिट मान लिया तो अपमान को भी अपना क्रेडिट मान लीजिए। यही सीधी बात है। तो मान के समय तो क्रेडिट ले लिया हमने कि हाँ हमने सही में अच्छा काम किया, इसलिए तो हमको मान दे रहे। तो अपमान के समय हमने सही में कुछ खराब किया, इसलिए हमको अपमान हो रहा है। तो इसलिए मान अपमान को इस तरह से इक्वल समझना होगा, इस तरह ऐसा सोचना होगा। उधर कृपा है तो इधर भी कृपा है, उधर अगर क्रेडिट हमारा है तो यहाँ भी हमारा क्रेडिट है, अपमान भी मेरा क्रेडिट समझ ले, अपना क्रेडिट समझ लेना चाहिए अपमान में भी। ओके, तो ये हो गया मान अपमान। शीत उष्ण, ठंडी और गर्मी में समान। हाँ, ठंडी और गर्मी को भी समान रूप से देखना। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा है कि आपको ठंडी में मरना है व गर्मी में मरना है, ऐसा नहीं। लेकिन ठंडी आने से ऊहापोह करने की जरूरत नहीं, चुपचाप जो करना है करिए। आपको ठंडी को बचने के लिए करना है तो कर, लेकिन ठंडी आ गई तो ऊहापोह करने की जरूरत नहीं है, बाप रे बाप रे। गर्मी आ गई तो बाप रे इतना गर्म लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना कंप्लेन, इतना प्रोटेस्ट, इतना चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सीजन है, भगवान ने बनाया, भगवान ने गर्मी को बनाया, भगवान ने ठंडी को बनाया। गर्मी में कई लोगों का उपकार हो रहा होगा, हमको खराब लग रहा है, हो सकता है गर्मी की जरूरत हो, सृष्टि को चलाने के लिए गर्मी की जरूरत है, ठंडी की जरूरत है, तो भगवान ने बनाया है, हम अपने आप को वहां सेटिंग करो। लेकिन ये नहीं, ये गर्मी हमको अच्छा नहीं लगता है, ठंडी हमको अच्छा नहीं लगता है, बारिश हमको अच्छा नहीं लगता है, तो तुम्हारा अच्छा लगने से क्या होगा, भगवान क्या चेंज कर देंगे? नहीं, हमको
ये नहीं सोचना चाहिए कि गर्मी अच्छा है कि ठंडी अच्छा है कि बारिश अच्छा है। संसार को चलाने के लिए तीनों की जरूरत है, भगवान ने इसलिए बनाया है। हमको उसमें एडजस्ट करना है अपने को। कैसे, आपको गर्म अच्छा नहीं लग रहा तो कुछ सुविधा कर लीजिए, जो करना है। ओके। और सुख दुख में समान रहना, सुख और दुख में समान रहना होगा। ये समान रहने का अर्थ है कि हमारा भक्ति चलना चाहिए, भक्ति रुकना नहीं चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति, भगवान का गुणगान करते रहना चाहिए सब स्थिति में। ये अर्थ है। संग विवर्जिता, संग दुसंग नहीं करना है। तुल्य निंदा स्तुति, निंदा करे या स्तुति करे दोनों में समान। कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है। जब कोई स्तुति करता है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कोई स्तुति कर, स्तुति सुनने के लिए हमारे कान लालायित रहते हैं कि कोई थोड़ा मेरे बारे में कुछ बोल दे, उसके लिए हमारे अंदर लालसा बनी रहती है। कोई दूर में भी कोई हमारे बारे में बात करेगा तो हमारे कान एकदम पहुंच जाते हैं। कुछ सुनाई दे, कुछ सुनाई दे हमारे बारे में, कुछ सुनने मिले। हाँ, कितनी लालसा रहती है। ये लालसा कहाँ से आ रही है? इसका मतलब कृष्ण को भी स्तुति करने से अच्छी लगती होगी, तो हमें कृष्ण की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि उनको भी कोई स्तुति करने से कृष्ण को भी अच्छा लगता है। क्योंकि हम भगवान नहीं है इसलिए हमारी स्तुति नहीं होनी चाहिए, हमारा स्तुति सुनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमको भगवान की स्तुति सुनने की इच्छा होनी चाहिए। निंदा, निंदा अगर हमारी होती है तो स्तुति तो कहीं हो रही है तुमको अच्छा, लेकिन मेरे बारे में अगर कोई नेगेटिव डिस्कस कराओ, नेगेटिव कुछ बात करे डिस्कस, तो हम लोग को जहर जैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। हम लोग आग बबूला हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, उसको प्रति आक्रमण कर देंगे। ये यही भगवान हम लोग को मतलब उंगली दे के बता रहे कि तुम कहाँ पर हो, भक्ति तुम्हारा कहाँ है। तुल्य निंदा स्तुति, मौनी, मौनी मतलब बिना मतलब का बकवास नहीं करना। संतुष्ट, फिर आया दोबारा संतुष्ट, ये न कहना चित्या लिखा है, मतलब किसी प्रकार से संतुष्ट ये न कहना, जैसे तैसे जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट। अनिकेत, अनिकेत का फिर सेम बात जो आगे बताया था उसी तरह का मिलेंगे। कि निकेत का अर्थ है घर, अनिकेत मतलब घर, घर बार ही, तो घर बार हीन का अर्थ, घर बार हीन मतलब पेड़ के नीचे रहना। अनिकेत का मतलब पेड़ के नीचे रहना, इसका मतलब है नहीं कि हमको पेड़ के नीचे रहना है, इसका मतलब हो गया अनिकेत मतलब निराश्रय शेल्टरहीन, उसको अनिकेत कहते हैं। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए, हम लोग उस अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं है कि हम लोग घर बार हीन रह सकें, इसलिए अनिकेत तो हम लोग है, लेकिन उसको ही कृष्ण का घर बनाना पड़ेगा। उसको कृष्ण का घर बना के फिर उसमें रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो अनिकेत हो जाएगा, नहीं तो फिर निकेत निकेत में फंसे रहेंगे। अनिकेत स्थिर मति, स्थिर मति, स्थिर मति मतलब मन हमेशा भगवान में लगा रहेगा। निष्ठा, निष्ठा स्टेज का बात है, भक्ति मान, वो भक्त मेरा प्रिय है। ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम परिउपासते श्रद्धाया परयापितास्ते मे अतीव मे प्रिया। भगवान कहते हैं कि ये जो मैंने धर्म अमृत का वर्णन किया, कौन सा धर्म अमृत का है, जो 12, 13 से 20 जो 8 श्लोक में भगवान ने वर्णन किया है धर्म अमृतम, इसका नाम क्या है, धर्म अमृतम। दोज हू फॉलो दिस इम्पेरिसिबल पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, ये धर्म अमृत, ये धर्म अमृत का जो जो लोग प्रैक्टिस करेंगे, परी उपासते पूर्ण रूप से अनुशीलन करेंगे, परी मतलब पूर्ण परफेक्टली, और परी उपासते, उपासते मतलब अनुशीलन करना, जो परफेक्टली
अगर कोई इसका कल्टीवेशन करेंगे, उपासना करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे परफेक्टली अच्छे से, और क्या श्रद्धाना श्रद्धा श्रद्धा पूर्वक अगर कोई प्रैक्टिस करेंगे, मत परमा और कृष्ण को गोल बना के रखना है साथ साथ में, वो भक्त क्या अतीव में प्रिया। अब पहले तो बोले मेरा खाली प्रिय है, और यहाँ क्या अति प्रिय है, वेरी वेरी डियर, वेरी वेरी दो बार आया, वेरी वेरी डियर। अगर अति प्रिय बनना है तो फिर ये जो श्लोकों में बात हुई है, इस श्लोकों को जो जो बातें हुई उसका रेगुलर अध्ययन करना चाहिए, रेगुलर स्टडी करना चाहिए, और रेगुलर अपने आप को एनालिसिस करना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। एक बार हम लोग गुरु महाराज से मिलने गए थे ऊपर में छत के ऊपर, पता नहीं कब कैसे लेकिन गए थे। तब गुरु महाराज ने 12वां अध्याय 12वां अध्याय से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया ये इस अध्याय से, और श्लोक पूछा ये श्लोक किसको आता है, ये श्लोक किसको आता है 12वां अध्याय से। फिर गुरु महाराज ने बोला कि ये अध्याय तो पूरा याद रखना चाहिए, और बोले मैंने 10 बार गीता पढ़ा दीक्षा दीक्षा के पहले। उसी दिन उस समय प्रभुपाद गुरु महाराज बोले उसी क्लास में कि मैंने दीक्षा लेने के पहले 10 बार गीता पढ़ा, इसलिए मेरे को याद है, नहीं तो याद हम लोग का तो अभी भी 10 बार हुआ होगा कि नहीं भगवान जाने। तो इसलिए गुरु महाराज 10 बार पढ़ चुके हैं, इसलिए उनको 12वां अध्याय याद है। गुरु महाराज बुराए हो सकता है सभी याद होगा, लेकिन 12वां अध्याय उस दिन वो कोट कर रहे थे तो इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन्होंने पूछा 12वां अध्याय के बारे में पूछा, ये अध्याय इतना इम्पोर्टेंट है। अभी आगे बढ़ते हम यहाँ पर ये जो गुणों का वर्णन है, इस अध्याय का नाम ही है भक्ति योग। अभी नेक्स्ट 13वां अध्याय में भी ऐसा ही हम कुछ देखेंगे। आइए 13 चैप्टर श्लोक नंबर 8 खोल लीजिए। कौन सा चैप्टर पढ़ोगी? 15वां? 13वां अध्याय श्लोक नंबर 8 से 12, 13वां अध्याय 8 से 12। अमानित्वम अदम्भीत्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यात्मविनिग्रहम। अमानित्वम एक नंबर क्वालिटी, अमानित्व तो ये भी ग्रेजुअल है, मतलब अमानित्व से शुरू होता है और लास्ट में आता है ज्ञान, ज्ञान विज्ञान दर्शनम। तो ये ज्ञान की सीढ़ी कहते हैं इसको, इस 20 क्वालिटीज है और इसको ज्ञान की सीढ़ी बताई है 20 क्वालिटी। तो उसमें पहली पहली सीढ़ी अमानित्व, मतलब सम्मान की आशा नहीं करना, कोई हमको प्रणाम करे, नमस्कार करे, हम को प्रशंसा करे, स्तुति करे, मेरी वाह वाह होगी, मेरे को माला पहनाया जाएगा, मेरे को कोई अच्छा सब लोग आगे बढ़ा देंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, ये आशा, ऐसा होगा तो होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसी आशा रखना मन में कि ऐसा होना चाहिए, तो वो हटाना है। और अदम्भित्वम, दम्भ दम्भ को त्याग करना, दम्भ का मतलब होता है कि अपने आप को बड़ा भक्त दिखाना, वो दम्भ कहते हैं उसको, दम्भ दम्भ त्याग करना है, मैं बहुत बड़ा हूं। कैसे दम्भ होता है? दम्भ अलग अलग प्रकार से होता है, एक तो मुंह से बोल के किया जाता है, या फिर आचरण में दिखाया जाता है, या फिर कुछ कई लोग रिलीजियस सिंबल पहनते, बड़ा बड़ा माला बड़ा बड़ा पहन के दम्भ, उसको दम्भ कहते हैं। तो जो नहीं है उसको दिखाना, उसको दम्भ कहते हैं। अहिंसा अमानित्वम अदम्भित्वम, अहिंसा अहिंसा नॉन वायलेंस, हिंसा का मतलब है किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देना शरीर मन वाणी से। और प्रभुपाद लेकिन यहाँ दूसरी अहिंसा की बात कर रहे हैं,
प्रभुपाद कौन से अहिंसा की बात कर रहे हैं देखते हैं तात्पर्य में। नॉन वायलेंस इज जनरली टेकन अ मीन नॉट किलिंग और डिस्ट्रॉइंग द बॉडी, बट एक्चुअली नॉन वायलेंस मीन्स नॉट टू पुट अदर्स इन टू डिस्ट्रेस। पीपल इन जनरल आर ट्रैप्ड बाय इग्नोरेंस एंड मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, दे पर्पचुअली सफर मटेरियल पेन। सो अनलेस वन एलिवेट्स पीपल इन स्पिरिचुअल नॉलेज, वन इज प्रैक्टिसिंग वायलेंस। तो प्रभुपाद ने दूसरा ही अर्थ निकाला हिंसा का और अहिंसा का। प्रभुपाद बोल रहे कि सब जीव को कष्ट मिल रहा है संसार में, सब जीव दुखी हैं, तो दुखी जीवों को सुखी करने का उपाय है हरि नाम का वितरण करना, पुस्तक वितरण करना, भक्ति में लाना। तो अगर ऐसे कार्य में कोई बाधा देता है तो वो हिंसा कर रहा है। ऐसा कार्य करना मतलब अहिंसा, कैसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, हरि नाम का प्रचार करना, लोगों को भक्ति में जोड़ना, मतलब अहिंसा हो गया। ये प्रभुपाद ने अर्थ निकाला अहिंसा का। अहिंसा शांति, शांति का चर्चा पहले कर चुका हूँ। आर्जवम सरलता, सरलता का चर्चा नहीं हुआ पहले, उसको कर लेते हैं। सरलता मतलब डुप्लीसिटी नहीं होना चाहिए, विदाउट डुप्लीसिटी सरलता। तो कुछ लोग में बहुत डुप्लीसिटी होती है, बहुत मतलब बहुत खराब लगता है ऐसे लोगों से बात करने में, डिस्कस करने में, है ना। वो लोग ऐसा बात मीठा करके बोलते या लोगों को खाली तोसा मत करने के लिए बोलते, लेकिन सच बात ठीक से नहीं बोलते हैं, सच बात स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं। तो वो बहुत हार जाओ, लेकिन ये गुण अच्छा नहीं है, ऐसा डुप्लीकेसी वाला। ऊपर से बोलते हैं हाँ प्रभु बहुत अच्छा है ये वो, लेकिन अंदर में दूसरा कुछ ही चल रहा है। ये सब क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। और जब हम लोग जो लोग कुछ ऐसे बिजनेस है, व्यवसाय है, जिसमें लोग डुप्लीकेट हो जाते हैं, कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें डुप्लीकेसी ज्यादा चलता है, और कुछ कुछ बिजनेस स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले भी होते हैं, तो कई कई बार वो प्रोफेशन की वजह से लोग डुप्लीकेट बन जाते हैं, क्योंकि प्रोफेशन में डुप्लीकेसी करते 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 उनके स्वभाव के अंदर वो डुप्लीकेसी घुस जाता है, तो फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। कुछ कुछ प्रोफेशन है जो आदमी को झूठा बोलने में बहुत बाध्य करता है, बहुत ज्यादा झूठा बोलना पड़ता है कुछ प्रोफेशन में, तो वो प्रोफेशन में डुप्लीसिटी का चांस ज्यादा हो जाता है। तो डुप्लीसिटी से हमें बचना चाहिए। डुप्लीसिटी का कुछ एग्जाम्पल, हाँ प्रभु हम तो आपको बहुत प्रेम करते हैं, हम आपको बहुत चाहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर में दूसरा कुछ चल रहा है, तो ये डुप्लीसिटी हो गया। और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा बोलेगा कि नहीं हमको आपका पसंद नहीं है, हम आपके साथ नहीं है, हो गया ठीक है कोई बात नहीं, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। लेकिन वो डुप्लीसिटी कुछ लोग होते हैं जो मुंह से बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, या फिर और क्या एग्जाम्पल डुप्लीसिटी का। हाँ मतलब मुंह खोल के जिसको बोलने का हिम्मत नहीं होता है वही डुप्लीसिटी का आदत हो गया हुआ है। ओके, तो उससे बचना है हम लोग को। आर जब हम सरलता होनी चाहिए, क्योंकि गुरु के सामने सरलता की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो कभी गुरु देव हमको कृपा नहीं कर पाएंगे। अगर हम सरल नहीं होंगे ना तो हमको वो अपना कृपा दे नहीं पाएंगे गुरुदेव। ओके, आचार्य उपासना मतलब गुरुदेव के पास जाना, आचार्य मतलब गुरुदेव, उपासना मतलब उनकी पूजा करना, उनके पास जाना, उनसे प्रश्न पूछना, उनसे शिक्षा ग्रहण करना, ये आचार्य उपासना। सोचम, सोचम का चर्चा हो चुका पहले, स्थिरम का हो गया बात, आत्मविनिग्रह का हो गया बात। आत्मविनिग्रह मतलब शरीर और इंद्रियों को नियंत्रण करना, खाने पीने में नियंत्रण करना इत्यादि। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, वैराग्य इंद्रियार्थेषु वैराग्य मतलब थोड़ा वैराग्य, सिंप्लिसिटी लाइफ लीड करना, ज्यादा लग्जरी, ज्यादा एंजॉयमेंट, ये डिपेंड करता है एक्चुअली सबका स्टेटस के ऊपर, सबका एक जैसा नहीं होना चाहिए, होगा नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग वैराग्य का परिभाषा होगा उनके लाइफ स्टाइल के हिसाब से। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ज्यादा इंद्रियार्थों में जैसे सिनेमा में जाना, पिक्चर देखना, क्लब में जाना, ये सब भक्तों को अवॉइड करना चाहिए टोटली। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, मॉल में जाना जहाँ पर इंद्रियों का बोलबाला है ज्यादा,
संस्कृति में जाओ, उस एरिया को अवॉइड करना जहाँ जैसे शादी हो रहा है, ब्याह हो रहा है, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, वो सब चीज को भक्तों को अवॉइड करना चाहिए। और अहंकार, अहंकार का चर्चा हो चुका, जन्म तो जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, तो कुछ जो नया नया क्वालिटी आएगा उसको मैं चर्चा करूंगा, जो ऑलरेडी चर्चा हो चुका है उसको मैं स्किप करते जाऊंगा ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो ये एक नया क्वालिटी बता रहे हैं भगवान कि हमें अनुदर्शनम, हमेशा देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, हमें बार बार इसके बारे में सोचना चाहिए कि जन्म में आदमी को कितना कष्ट होता है, उसका हमें मेडिटेशन करना है। मृत्यु में आदमी को कितना कष्ट होता है, बुढ़ापे में कितना कष्ट होता है, बीमारी में कितना कष्ट होता है, संसार दुख दुख से भरा हुआ है, इसको हमें हमेशा चर्चा करना है ताकि हमको इस संसार से बाहर जाने की इच्छा जगे, ताकि हम संसार से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे अगर इसको समझ में आएगा तब, नहीं तो फिर संसार में अपना सपने का घर बनाने का प्रयास करेंगे। तो सपनों का घर नहीं बनाना है, अपना असली घर जाना है, इसलिए दुख दोषानु दर्शनम। फिर अशक्ति, अशक्ति अनभेश्वंग पुत्र दार गुरा गृहादेशु। हाँ, कितना भगवान ने तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं, पुत्र दार गृह आदि। पुत्र के प्रति आसक्ति नहीं होना, दार मतलब पत्नी के प्रति आसक्ति नहीं होना, गृह मतलब गृह के प्रति, घर के प्रति आसक्ति नहीं, आदि मतलब घर के साथ फिर गाड़ी आ गया और बैंक बैलेंस आ गया इत्यादि, इन चीजों में आसक्ति नहीं होना। तो ये तो बोले बहुत स्वाभाविक है। हाँ, पुत्र के प्रति आसक्ति क्यों नहीं होगा? आसक्ति तो प्रेम तो होना चाहिए बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद बहुत अच्छे से बोले हैं कि अफेक्शन शुड बी दें, पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति अफेक्शन होना चाहिए। अफेक्शन और अटैचमेंट में प्रभुपाद भेद कर रहे हैं, तो हमें उसको भेद करना है। अफेक्शन हैज टू बी शोन, पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्नेह का प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन अटैचमेंट का मतलब हो गया कि उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, उसके बारे में सोचते रहते हैं, हमारा भक्ति में डिस्टर्ब हो रहा है, कृष्ण के ज्यादा उनके बारे में हम सोच रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है। कृष्ण हमारे केंद्र बिंदु नहीं है, हमारे केंद्र बिंदु कोई दो और बन जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये पुत्र दार गृहादेश, पुत्र के बारे में, पत्नी के बारे में, घर के बारे में और बाकी चीजों के बारे में सोचते रहना। नित्यम च समचित्तत्वम, समचित्त रहना हमेशा, मतलब मेंटेन करना एक ही तरह का। इष्ट अनिष्ट उपपत्ति, सो ये चर्चा हो चुका है, इष्ट और अनिष्ट मतलब कोई हमारा अगर इष्ट मतलब अच्छा काम करे, कोई हमारा अनिष्ट करे, दोनों में समान रहना, ये चर्चा हो चुका है। मैं च अनन्य योग है ना भक्ति अव्यभिचारिणी, मेरे प्रति अनन्य भक्ति करना, अनन्य भक्ति। और दो शब्द एक साथ भगवान ने यूज किया, देखिए मैं च अनन्य योग है ना, पहला मतलब अन्य नहीं, और फिर अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी, दो एक साथ डबल कंडीशन डाला है और दोनों कंडीशन ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? एक एक में लिखा है कि अनन्य मतलब दूसरा नहीं करना, एक में बोला अव्यभिचारी, व्यभिचार नहीं करना, तो इसका दोनों का अर्थ तो अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेम अर्थ तो एक ही बात में क्यों बोलेंगे, भगवान एक ही जगह एक ही बात को दो बार यहाँ पर क्यों बोलेंगे। तो इसका मतलब हो गया अनन्य का मतलब अनलॉयड, अव्यभिचारी विदाउट एनी ब्रेक, प्रभुपाद बोले विदाउट एनी ब्रेक अव्यभिचारी, अनइंटरप्टेड, इंटरप्शन के बिना ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अनमोटिवेटेड अनन्य योग है ना। तो अनन्य योग है ना अव्यभिचारिणी भक्ति करना भगवान की। विविक्त देश सेवित्व,
विविक्त देश मतलब एकांत स्थान में रहना, हल्ला गुला वहां शोर बकोर में नहीं रहना। लेकिन कभी कभी भक्त लोग हल्ला गुला शोर बकोर के बीच में भी रह के अच्छा भक्ति कर लेते हैं, तो वो बहुत धन्यवाद के पात्र है, उनका भक्ति डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो मतलब अच्छा है वो, और नहीं तो फिर भक्ति डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर शांत में जगह में रहना चाहिए। और अतिर जनसंसदी, जनसंसदी संसद मतलब सभा, सभागृह, जनसंसदी मतलब पब्लिक का सभागृह, पब्लिक पब्लिक का सभागृह मतलब जैसे को क्या बोलते हैं, नीम तला, आम तला, जाम तला, पेड़ के नीचे सब लोग बैठ के गप्पा मारते हैं, क्लब में, दुकान के बाहर, बस स्टॉप में, इधर उधर, जहाँ पर लोगों की भीड़ होती है और लोग बहुत अलग अलग सब्जेक्ट में चर्चा करते हैं, उसमें भक्तों को इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। हम लोग अभी जनसंसदी हो गया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जनसंसदी है, ठीक है? तो इन जनसंसदी संसदी से मुक्त होना है अभी, समझ गया क्या? नहीं, अभी जनसंसदी का डेफिनेशन ही अलग हो गया। अभी लोगों का भीड़ भाड़ कहाँ होता है, लोगों का भीड़ भाड़ हो रहा है इधर फेसबुक में, इंस्टाग्राम, वहां पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, वहां पर गप्पा मारे लोग। तो फेसबुक से बाहर निकलना चाहिए, इंस्टाग्राम से बाहर निकलना चाहिए, व्हाट्सएप में भी ज्यादा टाइम, व्हाट्सएप में तो जहाँ एक काम का बात कर लिया फिर खत्म, तो वो अरति जनसंसदी है। तो अरति जनसंसदी का अभी वर्तमान में फिजिकली कोई जाके जनसंसदी में नहीं जाता है, लेकिन इधर जा रहा है इस तरह से। तो फेसबुक बहुत बड़ा टाइम किलर है, जो लोग फेसबुक में है इसका मतलब भगवान में जब मैं कभी उनका एकनिष्ठ नहीं हो पाएंगे, अगर फेसबुक में आप फंसे हुए हैं तो जब में फिर मन नहीं लगेगा, फेसबुक से बाहर निकल जाइए। फिर क्या है, अध्यात्म ज्ञान है तत्वम, अध्यात्म ज्ञान में हमेशा बने रहना, तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का दर्शन करना मतलब ब्रह्म परमात्मा भगवान, इसका हमेशा दर्शन करना, अर्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, इसका अर्थ को दर्शन करने का मतलब देखना, सोचना, समझना। तो ये ज्ञान के 20 सीढ़ियां हैं, इस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कितना 20 इधर आ गया, 12वें अध्याय में कितना था, उसके बाद नेक्स्ट 16 चैप्टर में, और 16 के पहले एक्चुअली 14 अध्याय में भी है कुछ गुणों का वर्णन, 14 अध्याय नंबर श्लोक नंबर एकदम लास्ट में निकाल रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को। 21 नंबर श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि जो त्रिगुणातीत व्यक्ति है उसके गुणों का वर्णन करिए, हे कृष्ण, हे प्रभु, आप त्रिगुणातीत व्यक्ति के गुणों का वर्णन करिए। तो फिर कृष्ण ने 22, 23, 24, 25 चार श्लोकों में बताया, त्रिगुणातीत व्यक्ति का वर्णन किया, श्री भगवान उवाच, तो प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि सम प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो जो त्रिगुणातीत व्यक्ति है वो क्या करेगा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये आने से अथवा जाने से वो विचलित नहीं होगा, उदासीन अवदासीनो गुणेरियन, उदासीन रहेगा, उदासीन मतलब न्यूट्रल रहेगा, वो इनडिफरेंट बना रहेगा, गुण आते और जाते, गुणों का प्रभाव आएगा जाएगा, जैसे हमारे अंदर अभी रजोगुण आ गया और आके थोड़ा देर में रजोगुण चला जाएगा, तमोगुण आया आके चला गया, लेकिन हमको प्रभावित नहीं करना चाहिए, ये बता रहे हैं। फिर सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुख है तो चर्चा हो चुका है, समलोष्ट्रास्म कांचना मतलब लोहे का पिंडा, मिट्टी का पिंडा, लोहे का टुकड़ा और सोने का टुकड़ा, तीनों को बराबर देखता है वो, प्रिय अप्रिय में तुल्य रहेगा, ये भी चर्चा हो चुका है, निंदा आत्मा संस्तुति में ये भी चर्चा हो चुका है, मान अपमान में तुल्य चर्चा हो चुका है, मित्र और शत्रु में तुल्य चर्चा हो चुका है, सर्वारंभ परित्यागी, कोई आरंभ आडंबर वो नहीं करेगा, आरंभ नहीं करेगा, कोई नया काम नहीं, मतलब भौतिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य की बात नहीं हो रही। तो ये लगभग ये सारे गुण हमारे चर्चा हो चुके हैं, इसमें
अंदर नहीं जा रहे हैं, डूबने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जाना है तो तात्पर्य में थोड़ा, अगर आप तात्पर्य में जाएंगे तो आपको ये फायदा होगा कि प्रभुपाद ने वहां पर कुछ दो लाइन बोला होगा, यहाँ पर और दो लाइन आपको मिल जाएगा, मतलब आपका स्कोप बढ़ जाएगा समझने का। आप तात्पर्य में जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन हम क्वालिटी में अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्वालिटी चर्चा हो चुका है। और फिर नेक्स्ट है 16 चैप्टर में, 16 अध्याय में ना, 15 अध्याय में भी एक बार है, दो चार क्वालिटी उसमें भी है। 5 नंबर श्लोक में, 15वां अध्याय का 5 नंबर श्लोक, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्यंतम। यहाँ पर भगवान निर्माण मोहा, मान से शून्य, मोह से शून्य, जित संग दोषा, संग दोष से शून्य, अध्यात्म नित्य, नित्य अध्यात्म में बना रहना। ये तो 12वें जो 20 क्वालिटी का अभी हम लोग चर्चा किया थोड़ी देर पे, उसमें 19 नंबर क्वालिटी ये था, अध्यात्म नित्य उधर भी था, अध्यात्म नित्य इधर भी आया। और निर्माण तो दो तीन जगह आ चुका है पहले, निर्मोह पहली बार आया है, संग दोष भी पहली बार आया है इसमें, विनिवृत्त कामा, सब काम को वो निकाल चुका है हृदय से, द्वंद्वों से मुक्त ये पहले आ चुका है। तो ये 15 अध्याय में लगभग हमने आपको दिखा दिया। अभी नेक्स्ट 16 चैप्टर में देखते हैं, 16 अध्याय में बहुत बड़ा लिस्ट है, श्लोक नंबर 1, 2, 3, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 3 श्लोकों में 16वें अध्याय में सद्गुणों का वर्णन है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम। ये जो गुण है 16 अध्याय में, इसको प्रभुपाद जी ने ऐसे ब्रेक किया है, प्रभुपाद जी के हमारे आचार्यों ने ऐसे ब्रेक किया है कि ब्राह्मण के गुण, क्षत्रिय के, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ऐसे इनको डिवाइड किया है गुणों को। इसमें कुछ गुण सन्यासी के हैं, कुछ गृहस्थ के हैं, कुछ ब्रह्मचारी के, ऐसे अलग अलग डिवीजन है। ये लिस्ट का पूरा डिवीजन डिवाइड किया हुआ है इस लिस्ट को। तो पहला 3 गुण सन्यासी का है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग, 3 सन्यासी के गुण है। सन्यासी अभय रहता है, मतलब उसको जंगल में घूमना पड़ता है तो निडर होकर घूमता है। अभयम सत्व संशुद्धि, अच्छा हाँ मैं सोच रहा हूं कि इसको कवर करें कि इसको नेक्स्ट वीक के लिए रखें। मैं इसे नेक्स्ट वीक के लिए रखता हूँ क्योंकि